दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक आशंका भी जताई है और सिंगापुर में जो नया स्ट्रेन मिला है उसकी दस्तक के साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि स्ट्रेन से भारत में तीसरी लहर की आशंका है। सिंगापुर स्ट्रेन बच्चों को अधिक प्रभावित करेगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा। तीसरी लहर की आशंका के बीच में अभिभावकों के लिए चिंताएं बढ़ी हैं। रविवार को सिंगापुर ने पूरी दुनिया को नए स्ट्रेन को लेकर आगाह किया और उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया जिसमें सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है और केंद्र सरकार से अपील भी अरविंद केजरीवाल ने इस आशंका के साथ की। आइए अब आपको दिखा देते हैं इस नए वेरिएंट पर सिंगापुर का क्या कहना है। It did mention that it would appear the B1617 strain appears to affect children more. So you notice that for schools, the response has been different compared to, say, last year. सिंगापुर वेरिएंट की खबरों पर सिंगापुर की सफाई आ चुकी है। सिंगापुर ने कहा है कि हमारे देश में ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है। भारतीय मीडिया की खबरों का सिंगापुर ने खंडन कर दिया है। सिंगापुर में आए कोरोना के नए रूप से बच्चों को खतरे की बात की जा रही थी जिसके बाद सिंगापुर ने ये कह दिया है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है और जो खबरें यहाँ पर इस नए वेरिएंट को लेकर चल रही हैं उसे खारिज कर दिया है सिंगापुर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।